नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। लगातार इस देश में कोरोना के दौरान दो बड़ी बातें सामने आई है, इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इस देश में जाति को लेकर कोई डिस्कोर्स नहीं होता है। 10,000 मेडिकल की सीटें पिछले तीन साल में जब आप बोलबम जा रहे थे, कांवड़ ढो रहे थे, तो जनरल कैटेगरी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है OBC की मेडिकल सीट को, चाहे वो MD की सीट हो या MBBS की सीट हो। और उसी दौरान सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो SC ST OBC के डॉक्टर हैं, माइनॉरिटी के डॉक्टर हैं, जिनको आरक्षण खोर कहा जाता था। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर सोनू लेडी हार्डिंग में सीनियर रेजिडेंट हैं और डॉक्टर रतन बहुजन समाज से हैं, दोनों OBC कैटेगरी से हैं। इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव ने भी अब ट्वीट किया और लगातार ये बात कि 10,000 सीटें जो हैं वो पिछले तीन साल में, और OBC आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, अब तो स्वास्थ्य मंत्री चले गए हैं WHO में, प्रधानमंत्री OBC हैं, क्या लगता है ये कितना बड़ा नुकसान है OBC को? वो कांवड़ ढो सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता है। देखिए, OBC की संख्या जो है डॉक्टरी में वैसे भी कम है, जितने भी प्राइवेट कम मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं वो मैक्सिमम जनरल क्लास से हैं। आप कभी भी लिस्ट निकलवाएंगे तो मिलेगा वो जनरल क्लास से हैं। और NEET PG में क्या है, अभी तक 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है और तीन सालों में पिछले तो नुकसान हो ही रहा है, पर ईयर समझ लीजिए 3,000 से ज़्यादा सीटें अभी क्लिनिकल ब्रांच की सीटें जनरल में चली जाती हैं। तो जब यदि मान लीजिए 100 सीट है, 50 स्टेट को मिलती है, 50 नीट कराता है सेंट्रल के थ्रू, तो उस 50वें में 27% आरक्षण नहीं दिया जाता। डॉक्टरों ने कई बार केस किया, हम लोगों ने बहुत बार मुद्दा उठाया, अनिल जय हिंद उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे खुद के सांसद हैं, विधायक हैं, कभी भी एक तरफा इस मुद्दे पर आवाज़ ही नहीं उठाते। तो लोगों को ऐसे सांसदों विधायकों की पहचान करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पर बोला। अनुप्रिया पटेल ने भी यह मुद्दा उठाया था, उनका भी वीडियो पड़ा है, उसके लिए वो भी बहुत बधाई की पात्र हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बैकवर्ड के सांसद हैं, इवन SC के भी सांसद हैं, बहुजन समाज से जितने भी आते हैं, उनको बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्द लागू हो सके। और PG की बात नहीं, आप NEET UG में भी देखेंगे, ऑल इंडिया सीट, उसमें भी हमें 82 सीटें मिलती हैं, करीब 8,000 के आसपास सीटें हैं और OBC को सिर्फ 82 सीटें मिलती हैं। सोचिए कितना बड़ा अन्याय झेला जा रहा है सामाजिक न्याय के नाम पर। तो क्या लग रहा है SC ST OBC, आप लोग अगर आप जो व्यवस्था है जातिवाद का उसमें आप शूद्र हैं, आपको तो धन रखने की संपत्ति, तो कितना ज़रूरी है बहुजन समाज के लिहाज से बात करें, OBC के लिहाज से बात करें, डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बन पा रहे हैं लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप भाई मजदूर बनिए। देखिए, सामाजिक न्याय इसीलिए लाया गया, जो सामाजिक न्याय का प्रावधान है संविधान में रखा गया, इसी वजह से रखा गया कि एक एक व्यक्ति इक्वलिटी पर आए, और समानता तभी पा सकता है जब उसे अधिकार मिले। अभी तो बैकवर्ड को अधिकार मिला ही नहीं है। बाबा साहब ने कहकर गए थे कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, भारत तभी डेवलप करेगा जब इस देश का एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये लोग किसी न किसी तरीके से मुद्दा फंसाए रखते हैं। एक तो OBC का आज जो पलायन है ना, आप इसीलिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आप स्कूल कॉलेज आपको नहीं जाने दिया गया, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर पैसा वाला होते तो आपको पलायन नहीं करना पड़ता, आपके घर में खाना होता, आपको मजदूर बना के रखा गया, मजबूर बना के रखा गया है। डॉक्टर मौर्य साहब, और ये दोनों OBC के डॉक्टर हैं, ये मत कहिएगा कि खाली शेड्यूल कास्ट के लोग आंदोलन चला रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे ज़्यादा आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन OBC के लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे, आप इतना जान लीजिए कि SC ST की भागीदारी ज़्यादा है OBC से, क्योंकि उनके पास कम आरक्षण है, आपके पास 27% है लेकिन आप लड़ नहीं रहे। सर, OBC के डॉक्टर कितने जागरूक हुए, आप खुद OBC से हैं, आपके 10,000 सीट तो पिछले तीन साल में चले गए, अब ये जो आप जो बटे हुए हैं, कुर्मी, अहीर, कोइरी, यादव हैं, और आप लोग जो, तो क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर इंजीनियर कब बनेंगे आप लोग, कि कुर्मी, यादव, अहीर बनेंगे, OBC बन पाएंगे हम लोग? नहीं, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो जो स्टेट लेवल के सीट को आवंटन करने के लिए वहाँ के जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि साउथ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में है, लैंग्वेज संबंधित कई प्रॉब्लम होते हैं, और सभी जितने मेडिकल कॉलेज हैं, डीन वगैरह सब जनरल हैं, किसी को डॉक्यूमेंट्स द्वारा, किसी को रैंकिंग एंटी रैंकिंग द्वारा,
कहीं ना कहीं फंसा के उनको निकाल के सीट खाली। ओबीसी के साथ ये होता है और ओबीसी मस्त है, मतलब प्रधानमंत्री ओबीसी, ओबीसी को कहीं ना कहीं कैसे भी करके वहाँ निकालने का सिस्टम है। और जो भी ओबीसी या बहुजन का जो उच्च पद पे बैठे हैं वो अपने को अब जनरल ही मानने लगे हैं, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो। इसका एग्जांपल कई उत्तर प्रदेश में भी ऐसे विभाग हैं जहाँ डायरेक्टर कुर्मी समाज से हैं, बहुजन है, लेकिन उनको आप अगर बात कर लेंगे तो उनको लगेगा वह है ही नहीं है अपने समाज से। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, जबकि वो आरक्षण से गए हैं, आरक्षण से, वह डायरेक्ट आयोग द्वारा ओबीसी कोटे से ही गए हैं, अब वो ओबीसी कोटे का ही विरोध करते हैं। अब जो ये जो सीटें कट हुई है डॉक्टर साहब, क्या कहिए, कितनी जागरूकता आई है, जो युवा आपके तरह जो लोग एमडी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं बहुजन समाज के नए, एससी एसटी के लोग तो लड़ ही रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग तो लड़ ही रहे हैं, ओबीसी में कितनी जागरूकता आई? ओबीसी में यह है कि जो यूजी कर ले रहे हैं वो सोच रहे हैं मेडिकल ऑफिसर बन जाएं, आगे की एकेडमी के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वह जितना आगे जाएंगे उतना वो फंसते चले जाएंगे और उनको आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, ये सिस्टम है। देखिए मैं जब कहता हूँ ना तो आप लोग को लगता है कि मैं जातिवाद आप तभी समझेंगे जब आप पीएचडी करेंगे, अगर आप डॉक्टर हैं कम से कम एमडी एफआरसीएस कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर तभी जातिवाद का इलाज कर पाए जब उन्होंने अमेरिका जाके पढ़ाई की। मैं तभी जातिवाद को समझ आया पाया जब मैं पत्रकारिता में आया, चैनलों में नौकरी की। और ये जो दोनों लोग हैं ये कोई साधारण लोग नहीं, ये डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डॉक्टर साहब एमडी कर रहे हैं, डॉक्टर सोनू एमडी कर चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मेन नौकरी है डॉक्टर, इसलिए मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, ये बिजनेस, ये पावर सेंटर से। अब जातिवाद गांव में नहीं है भाई साहब कि किसी को खाने नहीं देंगे तो मोच नहीं रखने देंगे तो थप्पड़ मारेंगे। अब जो जातिवाद है वो पावर सेंटर जहाँ पैसा है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई वहाँ घुस गया है और वहाँ आपकी एंट्री बैन है। आप मजदूर बने रहिए, मजबूर बने रहिए, सड़कों पर पैदल चलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। एक डॉक्टर की एमडी जब डॉक्टर कर लेता है तो उसकी तनख्वाह होती है 1.5 लाख। आपको कहा जा रहा है कि आप फौज में चपरासी बन जाइए, आप माली बन जाइए। उनको चपरासी बनने से दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है जब आप प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप किसी कॉलेज में जाके चपरासी बन जाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं। चपरासी की नौकरी में खूब आरक्षण है, लेकिन आप दिक्कत तब होती है जब आप आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, तो दिक्कत उनको खड़ी हो जाती है और तभी आपको मजबूर बनाया जाता है और आप सड़कों पर। आज जो ट्रेनों में मर रहे हैं, आज जो पलायन कर रहे हैं, वो सब के सब बहुजन समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि उनके पास एक महीने का तो छोड़ दीजिए अगले 2 वक्त का खाना नहीं होता है। इसी बीच एक सबसे जो बड़ी खबर है, कोरोना में सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी लग रही है वो बहुजन डॉक्टरों की लग रही है। डॉक्टर साहब आप तो कोरोना पेशेंट भी देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें सच्चाई तो है ही, लोग मजाक उड़ाते थे कि आप आरक्षण के डॉक्टर से इलाज कराइए जाकर के, लेकिन आप देखिए लिस्ट निकलवा लीजिएगा कोरोना महामारी के बाद कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं वो किस वर्ग से हैं। आपको मिलेगा कि जितने आरक्षित वर्ग वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बिना डरे, और डरते भी नहीं है, सोचिए कियोस्क तक नहीं है। कियोस्क का मतलब होता है एक स्टडी बूथ जिसमें बैठ करके आराम से सैंपल निकाली, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीपीई किट पहन करके सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं इस बार। और इसमें कोई दो राय रही कि सबसे ज़्यादा यदि कोई हिम्मती वर्ग है, कोई ताकत वर्ग है, तो है बहुजन वर्ग। 1000 किलोमीटर साइकिल से नाप देता है बाप को बैठा के और 2000 किलोमीटर पैदल चल देता है। बिल्कुल, यही तो डॉक्टरों को ताकत देता है। ये हिम्मती है, हिम्मत का तो सलाम करता हूँ, लेकिन ये मजबूरी भी तो है डॉक्टर साहब। मजबूरी तो है, बिल्कुल मजबूरी इसलिए है कि जो हमारे नेता हम ही लोगों में से चुनकर जाते हैं, हमारी बात करते नहीं है, इसी की दिक्कत है। इस बार मैं चाहता हूँ आप लोग भी सवाल, आप तो हमेशा सवाल करते हैं, और लोग भी करें, अपने नेता से पूछें आपने बैकवर्ड के लिए कितने बार क्वेश्चन उठाएं, कितने बार सवाल पूछें। सबसे ज़्यादा यदि कोई दिक्कत में है तो है बैकवर्ड। आप लोग लेकिन सेवा करते रहेंगे चूंकि आपने शपथ ली है कि हम किसी भी स्थिति में मरीजों की सेवा करें। हाँ देखिए हमारे लिए हम कभी भी सवर्ण वर्ग को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन सिर्फ हम अपने वर्ग की बात जरूर करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है, उसे पदभ्रष्ट किया जा रहा है। जैसे लेकिन जब आप डॉक्टर ड्यूटी पर होते हैं तो आप समान नजरिया से सबको देखते हैं, जबकि वही गैर सवर्ण लोग शोषण करते हैं। देखिए हम लोग चाहे ड्यूटी पर हों चाहे ना, हम लोग कभी भी उनको आहत नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अपनी बात करते हैं। अपनी बात करना एक संवैधानिक दायरे में, आप बैकवर्ड एससी एसटी की बात करते हैं,
जिनका शोषण हो रहा है बात करते हैं, तो एक संवैधानिक दायरा है। तो कोरोना वॉरियर्स जो है वो बहुजन डॉक्टरों की ज्यादा ड्यूटी लग रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोग हैं और मन से पूरे काम कर, जितने इन्फेक्टेड आप लिस्ट निकालेंगे, मतलब सफाई कर्मचारी भी आप है, डॉक्टर भी आप है, सफाई कर्मचारी भी जो, और पुलिस के जी डी लेवल की, पुलिस की छोटी जो पुलिस में जवान है वो भी आप। हाँ, ज्यादा मैक्सिमम लोग यही है। देश की सेवा में बहुजन का तो हाथ रहेगा ही, 85% जनसंख्या है, लेकिन उस जनसंख्या के अनुसार अभी हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया, नहीं तो और अच्छा काम होता। ये जो तो देखिए, ये जो कहा जा रहा था ना, सरकारी नौकरी आज काम आ रहा है आपके पास, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, पुलिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में निजीकरण इसीलिए किया गया था कि बहुजनों की भागीदारी न मिले, आरक्षण न लागू हो, और उसी का नतीजा है कि प्राइवेट, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हॉस्पिटल फ्री में जमीन लेता है वो इलाज नहीं कर रहा है। संबित पात्रा को कोरोना हुआ है, वो मेदांता में भर्ती है सरकारी स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब आप भी सेवा दे रहे होंगे? हाँ, बनारस में हम भी सेवा दे रहे हैं। तो आप भी, मतलब क्या डर लगता है कभी? नहीं, डर नहीं, ये होता है कि लोगों का, अपने लोग जितने हैं प्रवासी आ रहे हैं महाराष्ट्र से, कहीं से भी आएँ, लेकिन सबका इलाज हो पाए और लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए। तो देखिए, इस देश में जातिवाद का नया चेहरा है। जब बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिया तो जातिवाद ने अपना चेहरा महीन किया। इस देश में सबसे बड़ी विडंबना कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना घोर जातिवादी होता है, और जो जितना बहुजन जो पीड़ित है वो पढ़ता लिखता है तो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है, और जो शोषण करने वाला है वो जितना ज़्यादा पढ़ता लिखता है वो उतना जातिवाद करता है महीन तरीके से। तो अब जातिवाद जो है वो पावर सेंटर्स पर है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, तब जाकर आप इस समाज में अपनी स्थान बना पाएंगे, अपनी लड़ाई के लिए लड़ पाएंगे, नहीं तो आप लगातार लाचार, बेबस और मजदूर बनाए जाएंगे और आपकी जान हमेशा कौड़ियों की भाव जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद शंभु जी। तो नेशनल दस्तक को देखते रहिए, हमारी कोशिश होती है कि वो वंचित समाज, ऑप्रेस सोसाइटी, वो तबका जिसकी कभी आवाज़ नहीं बनी वो आवाज़ हो। और जब भी मुझे जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग कहते हैं कि मैं जात की चर्चा करता हूँ, भैया मैं जात की नहीं, मैं वर्ग की चर्चा करता हूँ, संविधान की चर्चा करता हूँ, क्योंकि संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है और सबको बराबर का अधिकार है, और जो संवैधानिक बात नहीं मानता है, दरअसल जातिवाद है, जाति के नाम पर शोषण। हम बात करते हैं वर्ग की। इस देश की बड़ी विडंबना है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका संसाधनों पर कब्जा है, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग उससे अभी कोसों दूर हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।